नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जन संसद न्यूज। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दलित युवा संवाद छात्रा आवास पर एकजुट हुआ दलित समाज, जिसके नेतृत्व कर रहे थे राजू चंदेल हिंदूवादी नेता, वहीं देवी दीपका ने जिस प्रकार से छात्रों के साथ खड़ी होने का कर दिया आह्वान, वहाँ पूरी वाल्मीकि सेना जिस प्रकार से एकजुट हुई है, कहीं ना कहीं देखने की बात है। आप बता सकते हैं क्या कुछ होगा आगे, वो तो आने वाली वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको बताते चलूं कि क्या कुछ कहे वहाँ पे उपस्थित संवाद। इसमें छात्रवास का जो कार्यक्रम जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है, तमाम दलित समाज को एक मंच पे लाके छात्रों को, उन्हें जो मोदी सरकार की जो लाभकारी नीतियाँ छात्रों के लिए क्या क्या उन्हें सहूलियतें दी जा रही है, एक बारीकी से बताया गया है, जिसमें कि बच्चों को ट्यूशन के लिए, पहले माता पिताओं को महंगे महंगे ट्यूशन नहीं पढ़ा पाते थे, गरीब बच्चे जो दलित समाज के हैं उन्हें ट्यूशन के लिए क्या सहायता दी जा रही है भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से। जो बच्चे MBA नहीं कर पाते थे, गरीब बच्चे दलित बच्चे, उनको MBA की परीक्षा के लिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से क्या सब्सिडी सुविधाएँ दी जा रही है उसकी जानकारी दी गई है। मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जो विदेश में बच्चे जाना चाहते हैं उनको क्या सुविधा दी जा रही है, जिसमें इस योजना के तहत 450 बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं पूरे देश भर से, दलित समाज के विदेश में भी जा चुके हैं, उन्हें करोड़ों रुपए का अनुदान राशि सहायता दी जा चुकी है। तो इसी प्रकार से ये बच्चे भी कामयाब हो जाएं, दलित बस्तियों के बच्चे आगे जाके कामयाब होने का लाभ मिले, तो ऐसी जानकारी इन लोगों को दी गई। उनके माता पिता भी आए हैं तो उन्हें कहा गया है कि आप घबराओ मत, अब किसी भी दलित बच्ची की शादी की चिंता ना करें, उसके लिए मोदी सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, अब जैसे मध्य प्रदेश में देखें लाडली योजना, लाडली बहना योजना, और हमारे बहनों के लिए जो लाखों गैस सिलेंडर दिए गए हैं, ऐसी ऐसी योजनाओं के बारे में जानकारी विस्तार। ये भारतीय जनता पार्टी का जो दलित समाज और पिछड़ा समाज है उनको गले लगाने के लिए, हर उस आखिर में जो बैठा हुआ है दबा कुचला समाज है उसको ऊपर लाने की जो योजना है। मैं कहता हूँ कि जैसे कि जम्मू कश्मीर में हमारे पहाड़ी लोग थे उनको रिजर्वेशन दिया गया, बकरवाल गुजर थे जिन पर 70 साल अलीबाबा 40 चोर के गैंग ने उन पर राज किया, कुछ दिया नहीं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वो नीति उन्होंने अपनाई। तो आज मोदी सरकार के समय में लोगों को लाभ दिया जा रहा है, उनके अधिकार दिए जा रहे हैं, ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, ये तो जनता तय करेगी किसको वोट देना है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि महाठगबंधन उसका सूपड़ा साफ होने जा रहा है, और 400 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान SC ST का रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को 450 के उस आंकड़े को पार करना। जो दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो नेता हैं हमारे मोदी जी के कार्यक्रम में आए थे, इन्होंने भी कहा कि हम देखना चाहते हैं कि दलित बस्तियों में जाके हमारे जम्मू कश्मीर में कैसा है और यहाँ पर कैसा लाभ दिया जा रहा है राजधानी में। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की तरफ से तो बहुत योजनाएँ चलाई जा रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार जो केजरीवाल सरकार है वो हमेशा जो है दलित समाज को एक उपेक्षित रखा है, इसको कोई उनकी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, और जल्दी ही दिल्ली में भी जो केजरीवाल सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे। इन्होंने इनका जो भ्रष्टाचार की जो इंतहा है वो एक अपनी पार कर चुकी है, अब जल्दी ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली से भी केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान की तो जनता जाग चुकी है। आपके चैनल्स के माध्यम से कहता हूँ कि दिल्ली की जनता भी तो मुमकिन है, हमारा तो ये नारा है। हम जिन बच्चों को देखते थे पथराव करते हुए गन गरज में, बारूद में, ये तो हड़तालों में, जजेस को रोकते थे, DCs को रोकते थे, अपने आप में शर्मंदगी होती थी, 4 साल का बच्चा किसी जज को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हड़ताल है, गाड़ी लो, सालों में नहीं देखा था हमारे कश्मीर में बदलाव आया, तो वो हमने इन सालों में देखा जब से मोदी जी आए। हम सारे लोग खुश हैं, हाँ कुछ कुछ लोग हैं जो अभी नारा चल रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडरों को जो BJP के नहीं है, अदर्स पार्टियों के हैं, वही नारा चल रहे हैं, जो आम शहरी हैं वो खुश। जो मोदी साहब ने लाया है जम्मू कश्मीर में, 2 दिन पहले देखो जम्मू में कैसा, उतना बारिश में लोग, लाखों में लोग वहाँ जमा था जम्मू कश्मीर के लोग,
भाजपा के लिए तैयार है। इस इलेक्शन में 400 से ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, लेगा 400 के पार हम ले जाएगा इंशाल्लाह भारतीय जनता। मोदी जी के द्वारा दी गई छात्र संवाद योजना, जो मोदी जी ने हमारे एससी समाज के लिए जो योजनाएं दी हैं, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, उसके लिए मोदी जी ने जमीन पर उतर के कार्य। मैं देवी दीपिका एससी मोर्चा से अभी उपाध्यक्ष घोषित हुई हूँ और मैं मोदी जी का और सभी हमारे भाजपा के जो नेता हैं उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज का जो आयोजन था वो छात्रवास के लिए था और इसमें मोदी जी ने जो हमारे एसटी एसटी के जो बच्चे हैं उनके लिए जैसे शादी ब्याह से लेकर के उनकी पढ़ाई तक का जो बीड़ा उठाया है उसके बारे में इस सभा में डिस्कशन हुआ था और बच्चों को स्कीम बताई गई थी। क्योंकि आज से पहले मैं तो ये कहना चाहूँगी, आज से पहले कितनी सरकारें थी लेकिन कोई हमारे समाज के लिए नहीं कर पाया और मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे समाज के लिए सोचा और ऐसे किया है और हमारे साथ के बारे में और घर घर जाके योजना के बारे में, उज्ज्वल योजना के बारे में, जो हमारा बहुत बड़ा वाल्मीकि वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया उसके बारे में हम उनका सबका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मोदी जी ने पैसा दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे वाल्मीकि मंदिर पर आए हैं और इनका राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना द्वारा स्वागत किया गया है और इन्होंने जो सरकार की समाज को समर्पित योजनाएँ चल रही हैं उनसे अवगत कराया है। तो आदरणीय मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं कि जिन्होंने ऐसी समाज के लिए इतना सोचा, जो छात्र हैं उनके लिए सोचा और जो ऐसी समाज है उनके लिए तो मोदी सोच रहे हैं। उनके लिए जो छात्र हैं छात्रावास की योजना बनाई जा रही है, उनके लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है, एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो हम सरकार से मिलकर अपने समाज के लिए, ज़िले से जो जितने भी पदाधिकारी आए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। छात्राओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, मोदी जी ने बोला कि बच्चों पर पूरा ध्यान दो, जो बच्चे मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो मतलब आठवीं नौवीं में जो स्कूल छोड़ देते हैं तो वो हमारी जो बीजेपी सरकार है उसकी तरफ से उनको हम डोनेशन भी देंगे, उनको पढ़ाने के लिए भी योजना बना रहे हैं हम, उसी पर हमारा काम चल रहा है।